हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम टेक 23। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका पाइप ख़राब हो जाता है, कुछ इस कंडीशन में आ जाता है, तो हम उसे कैसे ठीक करें। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, मैं गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, मिक्सर मशीन, मिक्सर मशीन के जार, दोस्तों ये वीडियो अपने चैनल पर, दोस्तों प्रेस हीटर, ये दोस्तों अपने चैनल पर दोस्तों लाता रहता हूँ। इससे दोस्तों क्या होगा, आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपको मिलती रहेगी। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी आपको दिक्कत है, आप कमेंट करें, मैं उसका तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। देखिए दोस्तों, ये मैं काटने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं कट पा रहा है। उस पाइप को आपको अपने चूल्हे से बाहर निकाल लेना है दोस्तों। इस तरह से मैंने निकाल रखा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें दोस्तों आग लग रही थी। तो वो वाला हिस्सा है जहाँ पे आग लग रही थी दोस्तों, इस हिस्से को आपको इस तरह से हाथ में ले लेना है और वैसे ही काटना है। इसे मैं काट रहा था दोस्तों लेकिन ये नहीं कट पाया है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं आपको दूसरा ट्रिक बताऊंगा, इस पर आपको 100% कामयाबी मिलेगी दोस्तों। कोई चीज़ अगर आपको नहीं आ रही, आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। कुछ लोग ऐसा करते हैं, पूरा पैप ही बदलवाते हैं, लेकिन दोस्तों पैप ख़राब नहीं है, पैप बिल्कुल अच्छा है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये वाला ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी ये नहीं कटेगी, मैं समझता हूँ दोस्तों। ये देखिए फिर भी नहीं कट पा रही है। मैं आपको दिखाने के लिए दोस्तों कर रहा हूँ, मेरे कुछ भाई लोग हैं वो इस टाइप से काटने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं काट पाते हैं दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगा हमें इसे को किस टाइप से काटना है, किस टाइप से हम इसको अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें दोस्तों, आप बहुत काम की बात ही भूल जाएंगे, आपको दोबारा बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। देखिए दोस्तों, वो तो पाइप तो कट गया है ऊपर का, लेकिन ये अंदर चुके जो वायर हैं, तार जो हैं दोस्तों, ये नहीं कटने पा रहे हैं। इसको हम किस टाइप से दोस्तों काटेंगे, देखिए ये तार नहीं कट पा रहे हैं, बार बार कोशिश करने के बाद भी तार नहीं कट रहे हैं दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दूसरा ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। देखिए ये मेरे पास में है छेनी और ये मेरे पास में बम्बू। मुझे पता है अगर आपके पास में बम्बू ना हो तो आप कोई पत्थर पे भी रख सकते हैं दोस्तों। ये दुकानदार लोगों के पास बाट होते हैं लोहे के, आप इसके ऊपर भी रख के इसको अच्छे से किसी सख्त जगह पर रख के इसको आप अच्छे से काट सकते हैं दोस्तों। देखिए हमें इस टाइप से ये काटना है, इससे 100% ठीक होगा। वो ट्रिक मैं बता रहा था वो आपको दिखाने के लिए बताता है, जैसे कुछ लोग उस टाइप से काटने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये कट चुका है। अब इसके अंदर थोड़े वायर रह गए हैं, जो थोड़े तार हैं वो नहीं कट पाए हैं, तो मैं उसको दोबारा इस पर रख के अच्छे से काट दूंगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये कट चुके हैं, ये एकदम अच्छा हो गया है दोस्तों, बिल्कुल नए के जैसा हो गया दोस्तों। जो जहाँ पर आग लग रही थी दोस्तों, उतना हिस्सा मैंने इसका काट दिया है, अब यहाँ पे आग नहीं लगेगी। ये देखिए दोस्तों, सारे वायर मैंने काट दिए हैं यहाँ के, अभी एकदम अच्छा हो गया है, लेकिन थोड़ा सा है तो मैं इसके लिए क्लिप डाल लेता हूँ दोस्तों। हल्के हल्के बाहर रह जाते हैं ना, इसलिए क्लिप लगा दिया है मैंने। अब मैं वापस इसको चूल्हे में कस दूंगा दोस्तों। देखिए चूल्हे में मैंने इसको अच्छे टाइट कर दिया है, अब इस क्लिप को हमें अच्छे से टाइट कर देना है दोस्तों। देखिए इस क्लिप को हम टाइट कर देते हैं, ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने अच्छे से टाइट कर दिया है। अब मैं इसको आपको चला के भी दिखाऊँगा दोस्तों, लगा के भी दिखाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको चेक करा रहा हूँ, पहले इतना खोलने में दोस्तों यहाँ पे आग लगती थी, अब बिल्कुल आग माचिस की तीली दिखाने पे भी दोस्तों यहाँ पर आग नहीं है, बिल्कुल अच्छा हो गया दोस्तों। ये मैं समझता हूँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों। मैं गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, मिक्सर मशीन दोस्तों वीडियो में चैनल पर लाता रहता हूँ। कोई भी आपको दिक्कत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं तुरंत आपको रिप्लाई